नमस्कार दोस्तों, बीएड एग्जाम एनालिसिस में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जितने भी साथी क्लास में जुड़ेंगे, सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो दोस्तों, क्लास का आनंद ले, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है साथियों? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क को हिली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं, उत्तराखंड की बात हुई है तो एक शानदार पॉइंट है, उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम क्या था? सृष्टि गोस्वामी था। शानदार शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, शानदार शानदार बातें होंगी, आप सभी पॉइंट को नोट करते चलिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा करणम मलेश्वरी। क्या हो जाएगा साथियों? करणम मलेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, करणम मलेश्वरी। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ये दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, कोरोना का पहला केस कहां पर आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। कहां हो जाएगा दोस्तों? केरल में। कोरोना का पहला केस कहां पर आया था? तो केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर हो जाएगा कोविड-19 से। कोविड-19 से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलिएगा, आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है? कोविड-19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, नोट करते चलिए दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा संगीत क्षेत्र से। संगीत क्षेत्र से, बहुत ही दोस्तों एकदम ललन टाप क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत क्षेत्र से है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्लास का आनंद लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें दोस्तों। अब देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष। ये देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा दोस्तों मायोपिया। मायोपिया को कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया को कहते हैं। और दोस्तों एग्जाम में पूछ ले, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। बहुत दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा आठ। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आठ। केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो आठ हैं। इसके पहले दोस्तों कितना था? सात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करा दिए हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अब देखते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा रूस से, रूस से दोस्तों। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। संविधान के भाग चार का में है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, तो बताइए साथियों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 12 मार्च 1930 से। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 से, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों क्या है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए साथियों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जितने भी दिवस हैं शुरू से अंत तक, यानी जनवरी से दिसंबर तक, सभी दिवस कुलदीप सर जी के द्वारा क्या किया गया है, वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 2 दिन पहले ही दोस्तों पढ़ाया गया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आया है, जितने भी इस वीडियो में लिए हैं, सभी क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट करा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ प्राप्त कर सकें। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करा दिए हैं, जितना भी दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में आया है, सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है स्विफ्टकास्ट क्लासेस के द्वारा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें, आपका बहुत फायदा होगा। देखते हैं दोस्तों अब आपका आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई का। फाइडोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लो दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने इस पुस्तक का नाम बताया था, इंडिका पुस्तक किसकी है, तो मेघ अस्थनीज की है, मेघ अस्थनीज की है, काफी बार रिपीट करा दिए हैं दोस्तों, मेघ अस्थनीज। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेघ अस्थनीज की, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, मेघ अस्थनीज किसका क्या था, किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेघ अस्थनीज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ अस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो बताइए साथियों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया, आपका आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कब आया था, 1928 में, 1928 में ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, बना कब दोस्तों, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कई बार दोस्तों रिपीट करा दिए हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों हुई थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 ईस्वी में,
मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट करा दिए हैं। यदि आप सुप्रकाश क्लासेस में जुड़े हैं तो सभी क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया था, जो दोस्तों क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और किस भाषा में दोस्तों दिया गया था, पाली भाषा में। अब देखते हैं आवेश का मात्रक क्या है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार करा दिए हैं, आपको हो जाएगा कुलाम दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पलायन वेग कितना होता है, तो बताइए साथियों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों सूर्य के लिए कितना पलायन वेग होता है, चंद्रमा के लिए कितना पलायन वेग होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताना है दोस्तों, बताइएगा। कई बार रिपीट हो चुका है, हम ही करा दिए हैं दोस्तों वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी के लिए दोस्तों। तो ये पृथ्वी के लिए है दोस्तों, पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और आपको सूर्य का और चंद्रमा का बताना है पलायन वेग कितना होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो एस्कार्बिक एसिड है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, मीथेन का सूत्र क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा CH4। मीथेन का सूत्र क्या है, मीथेन का, तो CH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह है ओ निगेटिव, सर्वग्राही कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और ओ निगेटिव सर्वदाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों देख लो, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। आप अगर सूर्यप्रकाश क्लासेस में एमसीक्यू क्वेश्चन में जाएंगे, कुल मिलाकर दोस्तों 62 वीडियो डला हुआ है, उसमें हमने 206 हड्डियों के बारे में बताया है, जाके देख लेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 206। कुल 206 हड्डियों के बारे में दोस्तों डिस्कस किए हैं, आप वीडियो जाएंगे, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के वीडियो में आपको 206 हड्डी याद हो जाएंगी दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों आपको बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। नोट कर लीजिएगा, फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है। अब देखते हैं आज के सेशन का 30वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये है दोस्तों, मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिए हैं, कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो आपको हो जाएगा उत्तल लेंस का। कैमरे में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। मैंने दोस्तों जो क्वेश्चन पाया था बीएड एग्जाम का, जो आपका 6 अगस्त 2021 को हुआ था, जितना क्वेश्चन मैंने पाया था आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं,
तो दोस्तों वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद धन्यवाद।